नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आईआईएम अहमदाबाद पीएचडी प्रोग्राम में भी अब आरक्षण की नीति को फॉलो करेगा। इसके बारे में यह चर्चा इसलिए जोरों पर है कि इसके पहले जो भारत में लगभग 20 आईआईएम थे, उससे इतर हटकर आईआईएम अहमदाबाद आरक्षण की नीति को, जो सरकार की दाखिले में आरक्षण की नीति है, उसको नहीं अपना रहा था। उसके अपने तर्क थे, लेकिन अब जो पीएचडी में अगले सेशन से दाखिला होगा, उसमें आईआईएम अहमदाबाद आरक्षण की नीति को लागू करेगा, इसलिए यह पूरा मामला चर्चा में है। आज हम इसी त्वरित मुद्दे पर बात करेंगे, क्या है पूरा मामला, आईआईएम अहमदाबाद क्यों नहीं पीएचडी के दाखिले में आरक्षण नीति को लागू कर रहा था, क्या अपना तर्क दे रहा था और पुनः वह आरक्षण नीति को क्यों लागू कर रहा है, ये इस मुद्दे को जानेंगे। जानने से पहले, अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। आइए वीडियोस की तरफ वापस आते हैं, इसके टाइटल को समझते हैं, आईआईएम अहमदाबाद पीएचडी में भी आरक्षण क्यों, आखिर आईआईएम अहमदाबाद अब क्यों चाहता है कि उसके यहां जो एडमिशन होगा वह आरक्षण के जरिए भी होगा। पीएचडी में आरक्षण आईआईएम अहमदाबाद ने क्या कहा, हम इस पूरे वीडियो सेशन को जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, आरक्षण न होना गलत क्यों, आईआईएम द्वारा निर्णय का विरोध क्यों किया गया, और आईआईएम में पीएचडी प्रोग्राम के बारे में भी जानेंगे। आइए खबर के बारे में जानते हैं। तो खबर यह है कि भारतीय प्रबंध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने घोषणा की है कि वह अगले साल से पीएचडी प्रवेश में सरकारी दिशा निर्देशों के आधार पर आरक्षण लागू करेगा। आईआईएम अहमदाबाद ने कहा है कि अगले वर्ष से वह पीएचडी में दाखिले के लिए जो सरकारी आरक्षण के अनुसार जो दिशा निर्देश है उसको वह पालित करेगा, उसका पालन करेगा। यह घोषणा कब की गई, यह घोषणा तब की गई जब संस्थान ने डॉक्टोरल कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी कर दिया गया है पीएचडी कोर्स के लिए, तब यह बातें चर्चा में आई है और उसने घोषणा की है। आईआईएम ए अहमदाबाद जो है, आईआईएम अहमदाबाद की बात कर रहा है, जो 20 प्रमुख आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, भारतीय प्रबंध संस्थान है 20, उसमें से अकेला एक ऐसा संस्थान था अहमदाबाद जो अपने पीएचडी कार्यक्रम में एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण नहीं देता था। यह आईआईएम अहमदाबाद 20 आईआईएमओ से इतर था जो अपने पीएचडी कार्यक्रमों में, चाहे वह शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, या ओबीसी हो, या विकलांग व्यक्ति मतलब फिजिकली जो हैंडीक्रैफ्ट होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, इनके लिए आरक्षण लागू नहीं करता था। लेकिन अब वह कौन सी परिस्थितियां आ गई कि अहमदाबाद आईआईएम अहमदाबाद ने यह कहा है, जब उसका ऑनलाइन फॉर्म आया है पीएचडी के लिए, कि अगले साल से जो पीएचडी में दाखिले होंगे उसमें हम आरक्षण नीति का पालन करेंगे। आरक्षण न होना गलत, आरक्षण न होना गलत क्यों है, अब आईआईएम ए में आरक्षण लागू करने को लेकर पूर्व छात्रों के नेटवर्क के द्वारा पीआईएल जारी किया, दाखिल किया गया था। जो आईआईएम अहमदाबाद में पढ़े हुए पूर्व छात्र थे, उन्होंने एक पीआईएल मतलब जनहित याचिका दायर की थी, और जिसमें कहा गया था कि आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा पीएचडी दाखिले में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जो कि गलत है। जनहित याचिका में तर्क क्या दिया गया था, जो आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्रों ने जो जनहित याचिका दायर की थी, उसमें तर्क यह दिया गया था कि जो आईआईएम के पीएचडी कार्यक्रम 1971 में आरक्षण का अभाव संवैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान आरक्षण अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। इन्होंने तर्क दिया था कि यह जो पीएचडी कार्यक्रम 1971 में आरक्षण का अभाव संवैधानिक प्रावधानों, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो दिशा निर्देश जारी हैं उसका उल्लंघन है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू न करना। अब आईआईएम स्नातक संघ ने दावा किया है कि पीएचडी पाठ्यक्रमों में आरक्षण की कमी के कारण आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम ए मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास संकाय का प्रतिनिधित्व कम है, और इसने कहा है कि आईआईएम अहमदाबाद में पीएचडी दाखिले में आरक्षण की नीति का पालन नहीं करने के कारण आईआईएम अहमदाबाद में जो पीएचडी
धारित लोग हैं पीएचडी कार्यक्रम जो में भाग लिए हैं, पाठ्यक्रमों को पढ़ रहे हैं, मतलब पीएचडी में जिनका दाखिला हुआ है, उनमें शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि जो वर्ग हैं, उनके आरक्षण को, उनके प्रतिनिधित्व, उनका कम प्रतिनिधित्व है। अब IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा निर्णय का क्यों विरोध किया गया। IIM अहमदाबाद अपने पीएचडी कार्यक्रम के लिए आरक्षण का विरोध करता रहा है, क्यों विरोध करता रहा है, आइए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। IIM अहमदाबाद द्वारा निर्णय का क्यों विरोध किया गया, विरोध के पीछे यह कहा गया कि IIM अहमदाबाद में पीएचडी कार्यक्रम के लिए आरक्षण का विरोध करता रहा है और यह बताया गया है इसके द्वारा कि यह सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जहां आरक्षण संविधान या कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। पीएचडी क्या है, सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है और सुपर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में आरक्षण, यह क्या बता रहा है, संविधान या कानून द्वारा इसमें आरक्षण को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, इसलिए IIM अहमदाबाद अपने पीएचडी के कोर्स में आरक्षण की नीति को लागू नहीं करता था। विशेषज्ञता के स्तर की अगर बात की जाए तो विशेषज्ञता के उच्च स्तर पर आरक्षण प्रतिकूल हो सकता है और मेधावी छात्रों के लिए अनुचित हो सकता है। अगर स्पेशलाइज्ड, अगर विशेषज्ञता की बात की जाए तो यह IIM अहमदाबाद का तर्क है कि आरक्षण हम लागू नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इसमें जो बहुत तेज लड़के हैं, जो मेधावी छात्र हैं, वह आरक्षण की नीति को अगर लागू किया जाएगा तो वह उसमें दाखिला नहीं ले पाएंगे और वहां तक उस प्रोग्राम के पाठ्यक्रम में अपना दाखिला नहीं ले पाएंगे और यह अनुचित हो सकता है। गुजरात उच्च न्यायालय, अगर गुजरात हाईकोर्ट की बात करें तो गुजरात हाईकोर्ट में नवंबर 2022 में दायर एक हलफनामे में IIM अहमदाबाद ने दावा किया कि यह सरकारी फंडिंग के बिना 2017 IIM अधिनियम के तहत स्वतंत्र और स्वायत्त रूप में काम करता है। गुजरात हाईकोर्ट में IIM अहमदाबाद ने दाखिल किया और इस बात को बताया कि जो IIM अहमदाबाद है वह सरकार के द्वारा इसको फंडिंग नहीं किया जाता है, यह स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय है, तो जहां पर सरकार की जो नियम कानून है उसके तहत आरक्षण को हम लागू करना इनके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात सरकार के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। और IIM अहमदाबाद ने साथ ही यह भी दावा किया था कि पीएचडी कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पहले ही स्नातक और स्नातक स्तर पर सरकारी नीतियों के तहत आरक्षण मिल गया है। और IIM अहमदाबाद ने यह कहा था कि शिक्षा में बार बार आरक्षण क्यों, अगर स्नातक और स्नातकोत्तर में अगर आप आरक्षण के तहत सीटें पा गए और आपका दाखिला हो गया और आप कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं तो यह जरूरी नहीं है कि सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स पीएचडी के लिए अगर आप दाखिला लें तो उसमें भी आपको आरक्षण की आवश्यकता हो। बात करते हैं कि पीएचडी कार्यक्रम में सीटों की कोई निश्चित संख्या भी आरक्षण का विरोध करने के कारणों में के रूप में उद्घृत की गई है। अब आइए बात करते हैं IIM में पीएचडी प्रोग्राम, IIM में पीएचडी प्रोग्राम क्या क्या होते हैं, किस किस कोर्सों के लिए होते हैं। तो IIM अहमदाबाद के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में पीएचडी प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, फिनांस और लेखा, अकाउंट, फाइनेंस एंड अकाउंट, वित्त और लेखा की बात करते हैं, खाद्य एवं कृषि व्यवसाय से होता है, मानव संसाधन प्रबंधन से होता है, सूचना प्रणाली शिक्षा में नवाचार और प्रबंधन, विपणन, संचालन और निर्णय विज्ञान, संगठनात्मक व्यवहार, सार्वजनिक प्रणाली और रणनीति, जो इतने इतने पाठ्यक्रम हैं जिनमें पीएचडी प्रोग्राम में ऑफर किए जाते हैं। प्रबंधन में इन डॉक्टरेट कार्यक्रमों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को विशेषज्ञता के आधार पर टेस्ट देना पड़ता है। ये रहा पूरा मामला। अब 20 IIMों से इतर जो IIM अहमदाबाद कभी पीएचडी कार्यक्रमों में, पीएचडी पाठ्यक्रमों में आरक्षण की नीति को, सरकारी आरक्षण की नीति को लागू नहीं करता था, वह अब जब उसका फॉर्म आया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए तो उसमें बताया गया है कि अगले वर्ष से IIM अहमदाबाद भी पीएचडी पाठ्यक्रमों में आरक्षण की नीति को लागू करेगा। IIM आरक्षण क्यों नहीं लागू करता था इसके पीछे भी अपना तर्क दे चुका है, अब वह सरकारी नीतियों का पालन करते हुए IIM अहमदाबाद में भी आरक्षण नीतियों को पालित करते हुए वहां पर जो पीएचडी पाठ्यक्रम होंगे उसमें आरक्षण की नीति को लागू किया जाएगा। यह रहा चर्चा में पूरा बिंदु। क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि 20 IIM संस्थानों में केवल IIM अहमदाबाद ही ऐसा था जो पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षण की नीति को अपनाया नहीं था।
ये रहा पूरा मामला। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया इल्मिन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।